जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में जो चर्चा की जाएगी वो टीचर्स में दिख रही सारी खबरों पर बात होगी। लेटेस्ट अपडेट क्या है, इन सारी खबरों की बात की जाएगी। साथ ही साथ जो है यूपी डीपीएससी की तरफ से जो एएसओ के रिजल्ट को लेकर के आप लोगों के प्रश्न कट ऑफ कितनी जाएगी, जबकि कट ऑफ को लेकर के चर्चा न करने के लिए इस वीडियो पर काफ़ी पहले भी बताया गया है, क्योंकि कुछ पक्ष नाराज़ होते हैं, कुछ पक्ष खुश होते हैं, फिर भी जो है कुछ अनुमान जो है आपको बता दिया जाएगा। एएसओ फाइनल रिजल्ट के बारे में जो बताया गया वही मान के चलें, रिजल्ट उसके पहले ही जारी कर देगा यूपी डीपीएससी। वहीं यूपीए विज्ञप्ति के बारे में जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा से कब तक आएगी इसकी भी चर्चा की जाएगी, और कुछ बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी जो टीचर्स में दिख रही हैं। तो अगर अभी तक आपने एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस प्रकार की अथेंटिक अपडेट प्राप्त करने के लिए। कोई भी खबर जब तक अथेंटिक नहीं होती तब तक वो डिलीवर नहीं की जाती है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी अपडेट की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को सबसे पहले मिले आपको। तो रोज़ की तरह जान लेते हैं आज का सुविचार, क्योंकि आज का दौर चल रहा है राजनीति का, और राजनीति में क्या होता है कि 4 जून को कौन सी सरकार बनेगी, जो बनना होगा वो तो बनेगी ही, इस पे वक्त को ज़ाया ना करें। चाणक्य ने एक चीज़ कहा था राजनीति को लेकर के कि राजनीति एक ऐसा खेल है जिसे चतुर लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग दिन भर चर्चा करके अपने ही मित्रों से संबंध खराब करते हैं। तो राजनीति में खासकर चर्चा करने से अधिक समय अपने लिए लगाएं। जो होना होगा वो 4 जून को तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, बाकी सरकारें जिसकी बननी होगी बनेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। सबसे पहली खबर है यूपी डीपीएससी की तरफ स्टोनो शार्ट लिस्ट को लेकर के, जो आपके प्रश्न पूछे कि स्टोनो शार्ट लिस्ट जो है कि सितंबर तक शार्ट लिस्ट यूपी डीपीएससी जारी कर देगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम जो RDI मांगा गया तो उसमें जो पदों के सापेक्ष जो अप्लाई किए गए फॉर्म उसमें कुल जो है यहाँ पे विज्ञापन संख्या 9/2023 में जो है आवेदन की संख्या कुल 25,819 थी। वहीं अगली खबर यूपी डीपीएससी से RTI की तरफ जो रिप्लाई में आया था भेषज आयुर्वेदिक पदों में कितने लोग पद के सापेक्ष जो फार्म को अप्लाई किए, तो उसमें भी RTI में आवेदन की कुल संख्या ये विज्ञापन संख्या 1/2024 है, 2784 महज फार्म जो है पड़े हैं। तो भेषज आयुर्वेदिक को लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न है तो उसमें जो पदों की संख्या के सापेक्ष जो फार्म पड़े हैं वो महज 2784 पड़े हैं। SSC CGL की बात करें तो इसकी परीक्षा अक्टूबर में संभावित, अक्टूबर में इसकी परीक्षा होगी, लेकिन जो पदों के सापेक्ष जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो सारे यहाँ पे जो RTI के तहत जो है दिए गए हैं। यहाँ पे 31 मई 2024 तक के जो है डाटा दिया गया, टोटल 930 में अनरिजर्व 377 ASO NCSS में है, जो है GST एक्साइज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जूनियर स्टेशनल ऑफिसर, यानी कि टोटल पोस्टों के सापेक्ष जो पद अप्लाई लोग किए पोस्टों का अप्लाई वहाँ पर दिया गया 1067 जो पड़े हैं वो GST में पड़े हैं। इसी प्रकार से सबसे अधिक फार्म जो है GST में ही पड़े हैं, अनरिजर्व की बात हो रही है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज डाटा और वेरिफिकेशन पेंडिंग है, यहाँ पे टोटल जो है 15,350 में 5,510 अनरिजर्व के लिए हैं, तो 3,384 OBC, 1241, 2095 1201 EWS SC ST और OBC के फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। तो यहाँ पे RTI के तहत जो है ये डाटा दिया गया है, बाकी परीक्षा जो कि वो अक्टूबर में ही संभावित है CGL 2024 की। वहीं आरबी पब्लिक स्कूल वाराणसी से जो APS के लिए भर्ती है, यहाँ पे PGT TGT साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स और TGT के साइंस में जो है यहाँ पे है। डिटेल ऑफ वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट www.APSvaranasi.org पर जाकर जो है इस एप्लीकेशन को देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होगा प्रोसेसिंग फीस 250 होगी, जो DD के माध्यम से होगी पेएबल होगा एट वाराणसी, भी सबमिटेड टू दिस ऑफिस ऑन आर बिफोर 5 जून 2024 by 2000 यहाँ पे आवर्स लिखा है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड नॉट एज पर फॉर्मेट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल नॉट बी कंसीडर्ड, एप्लीकेशंस विल ओनली बी एक्सपेक्टेड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा। सेकंड है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू थ्रू मेल टेलीफोनिकली इंटीमेटिंग द डेट टाइम ऑफ इंटरव्यू, स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज कैंसिल, ये सारी चीज़ें जो है लिखी जाती हैं फॉर्म के समय में, अथॉरिटी उन्हीं के पास रहती है। एंड वैकेंसी विदाउट असेसिंग एंड एनी रीजन नोट TADA विल बी एडमिसेबल फॉर एनी क्वेरीज के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0542250996 पे या 2502514 पर कर सकते हैं कॉन्टेक्ट। अगली खबर, खाली पदों को मेरिट से भरने पर जो है ले निर्णय, हाईकोर्ट ने APO भर्ती मामले में सरकार को दिया है निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को APO भर्ती 2022 में खाली पदों को जो सूची की मेरिट के अनुसार भरने का विचार करके 6 हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश भी दिया है। वहीं APO की विज्ञप्ति के बारे में आपको बताया, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुलाई के 2nd वीक तक जो है ये भी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी 110+ पदों पर। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक अपडेट ये है, और LTGIC प्रवक्ता, जैसे चुनाव आचार संहिता खत्म होगी वैसे ही LTGIC प्रवक्ता के लिए जो है प्रतियोगी छात्रों की एक मांग के साथ जो मिलेंगे आयोग के अध्यक्ष से, और आयोग के अध्यक्ष का काम जो है वो शासन स्तर से अनुमति को लेकर पत्राचार को लेकर किसी पेटे अंदाज में वही जवाब मिलने को है। इसलिए जो है सारे प्रतियोगी छात्र ट्विटर का यानी कि X का सहारा लेते हुए अपनी बात को रखें, और ये विज्ञप्ति जल्द से जल्द जो है जून में ही जारी तभी हो सकती है। पदों की संख्या अच्छी खासी 7,000+ पद हैं LT और GIC प्रवक्ता को लेकर, तो इसकी विज्ञप्ति को लेकर लेटेस्ट अपडेट यही है।
कहानी वही दोहराई जाएगी, लेकिन इसमें आप कितना खड़े होते हैं ये सारे प्रतियोगी छात्रों को ध्यान देना। अगर अपने हक के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो फिर बैठे रह जाएंगे, इसलिए विज्ञप्ति को लेकर के जो है कहना पड़ेगा, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों के हिस्से में यही है कि हर चीज़ कह के ही उनको मिलेगा। परीक्षा हो, परीक्षा में पेपर लीक हो, या परीक्षा की डेट चाहिए, सेंटर नज़दीक चाहिए, परीक्षा कब कराई जाए, फार्म कब आए, ये सब चीज़ें प्रतियोगी छात्र जब तक नहीं करेंगे तब तक आयोग इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेगा। तो इसलिए जो LTGI ऐसी प्रवक्ता भर्ती का इंतजार करने वालों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि अपनी बात को ट्विटर के माध्यम से रखें और ये विज्ञप्ति तब जाके जून में देखने को मिल सकती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। बाकी कैलेंडर की संभावना आज की बन रही है, कैलेंडर जैसे भी होगा जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा अपडेट के तौर पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कैलेंडर जारी होने की इंतजार सभी को है। जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग के लिए बारे में जो आपको पहले की वीडियो में बताया गया था कि जुलाई माह में टाइपिंग हो सकती है, तो जुलाई माह में ही टाइपिंग होगी, उसके पहले टाइपिंग की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि UPSS रिजल्ट को लेकर के काम ने लगा हुआ, तो इसलिए रिजल्ट जारी करेगा। अब रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, SO फाइनल के जो रिजल्ट की चर्चा थी वो 15 जून के पहले आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा ये बताया गया। बाकी कट ऑफ की बताते तो 52 ± 1 कर लीजिएगा, यही कट ऑफ जो देखने को मिल सकती है ASO की फाइनल कट ऑफ जो होगी। बाकी 5512 जूनियर असिस्टेंट परीक्षा की संभावित जो है वो सेप्टेम्बर के बाद ही यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इस परीक्षा का आयोजन UPSS ही करा सकता है, इसमें अभी तक की अपडेट है। बाकी अगर कोई बदलाव होगा तो वो भी आपको अपडेट चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। इस प्रकार से लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। खबरें छोटी हों या बड़ी हों यदि प्रतियोगी छात्र के हित होंगे तो आप एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले देखने को मिलेगी।